हेलो दोस्तों, प्रभाज किचन में आप लोगों का स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं सोयाबीन पुलाव। ये पुलाव मैं अपने बेटे के लिए बना रही हूँ क्योंकि आज ये डॉक्टर्स डे है। मेरा बेटा डॉक्टर है, उसको मैं टिफिन में ये पुलाव देती थी, बहुत पसंद करता था। उसके दोस्त लोग तो उसके छीन कर सब खा जाते थे। तो चलिए, आज इसी पुलाव को हम आपके बच्चों के लिए बनाना बता रहे हैं। आप भी अपने बच्चों को बना के ये वाला पुलाव दीजिएगा। तो चलें, आज हम इंजॉय करते हैं सोयाबीन पुलाव के साथ। ये हमने एक कटोरी चावल ले लिया है, इस कटोरी से हमने नाप के चावल लिया है और इसको हमने अच्छे से धुल के 10 मिनट पहले ही रख दिया था। और ये थोड़ा सा सोयाबीन लिया है 8-10, और ये एक कटोरी मटर है, एक कटोरी हमने कॉर्न लिया है, और ये हमने 8 से 10 काजू है, और ये नमक है, काली मिर्च है, और ये 1 चम्मच जीरा है, और ये 2 चम्मच घी है और पानी है। तो चलिए, आज हम बनाते हैं सोयाबीन पुलाव। ये देखिए, गैस पर हमने एक कुकर चढ़ा दिया है। अब इसी में हम ये घी डाल देंगे। घी हमारा गरम हो गया है, गैस हमारी मीडियम पे रहेगी। अब इसी में हम ये जीरा डाल देंगे और इसको हल्का सा भून लेंगे। अब इसी में ये काजू डाल देंगे, भी हल्का सा भून लेंगे। ये बहुत जल्दी पुलाव तैयार होता है था। ये तो हम अपने बच्चों के टिफिन में देते थे, अक्सर वो लोग ले जाते थे और बहुत पसंद आता था। उनके दोस्त तो उठा के पहले ही इंटरवल के पहले ही खा लेते थे ये सब। अब देखिए, काजू हमारे हल्के से हो गए। अब इसी में हम एक कॉर्न डाल देंगे, इसको भी जरा सा भून लेंगे। और ये मटर भी हम इसी में डाल देंगे। ये बहुत ही हेल्दी पुलाव होता है, बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा है ये। ये देखिए, डाल दिया। अब हम इसी में ये सोयाबीन भी डाल देंगे, इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे। ऐसे तो सोयाबीन लोग गर्म पानी में डाल के फिर उसको निकाल देते हैं निचोड़ के, लेकिन हम इसमें नहीं करते क्योंकि इसमें हम पानी डालेंगे और एक सीटी लगाएंगे, ये अपने आप ही पक जाएगा उसमें। ये हमारा सोयाबीन भी हो गया है। अब हम इसी में ये चावल डाल देंगे। अब इसको भी अच्छे से भून लेंगे। गैस हमारी मीडियम पर ही रहेगी क्योंकि अगर ज्यादा तेज कर देंगे तो ये जल जाएगा, और धीमा कर देंगे तो अच्छे से भुनेगा नहीं, इसलिए गैस हमारी मीडियम पे ही रहेगी। ये देखिए कितना बढ़िया भुन गया ये। अब हम पानी डाल देंगे इसमें। हमने जिस कटोरी से चावल लिया था उसी कटोरी से 2 कटोरी हम पानी डाल देंगे इसमें। ये देखिए, अब हम इसी में ये काली मिर्च पाउडर भी डाल देंगे, इसको मिला देंगे अच्छे से। अब हम इसी में ये नमक डाल देंगे। ये बना के आप अपने बच्चों को देंगे तो ये दौड़ के बच्चे खाएंगे, एकदम अलग चीज रहेगी, लगेगा टिफिन में। अब हमने सब कुछ मिला दिया। अब हम कुकर बंद कर देंगे और गैस को तेज कर देंगे। जब एक सीटी आ जाएगी तब हम गैस धीमी कर देंगे। ये देखिए, एक सीटी आ गई, अब हम गैस एकदम धीमी कर देंगे और एक सीटी और आ जाएगी तब हम बंद कर देंगे। ये देखिए,
दूसरी सीटी भी आ गई है। अब हम गैस बंद कर देंगे, ठंडा होने के बाद कुकर को खोलेंगे। ये देखिए कुकर हमारा ठंडा हो गया है। अब हम इसको खोल के देखते हैं। या ये देखिए कितना बढ़िया पुलाव बना है। अब इसको हम चला देते हैं। ये देखिए मेरा सोयाबीन कितना बढ़िया पक गया है। अब हम एक प्लेट ले लेंगे इस तरह से और इसमें निकाल लेंगे। ये देखिए हमारा सोयाबीन पुलाव बनके तैयार हो गया है। तो आप लोग भी अपने बच्चों के लिए हेल्दी पुलाव बनाइएगा। तो चलिए आप लोग एंजॉय करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक जरूर करें। थैंक यू, गुड डे।